ने कुछ नहीं खाया आज। ओहो जल गया ये तो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस आज यहाँ पर पार्टी होने वाली है क्योंकि दो मेहमान आए हुए हैं हमारे यहाँ। तो एक ये कब्बू, मैं थोड़ी ना हूँ मेहमान। हाँ ये मेहमान इंसान, खैर ये मेहमान नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, मतलब एक ही मेहमान है। ये सब पुरानी है, बस एक ही नहीं है, वो भी ये भी पुरानी हो चुकी है क्योंकि इसको भी आपने देख ही लिया था। बस इस ब्लॉग में मैं ही नहीं हूँ। आपने मेरे को कभी नहीं देखा होगा ना गाइस। तो अभी हम लोग पार्टी क्या हम लोग खाना बना रहे हैं, तो इन लोगों से कहा कि तुम लोग भी खा के जाना क्योंकि आजकल पायल ने रूम शिफ्ट कर दिया है ना, तो ये अभी दूसरे रूम में रहती है और मतलब कब्बू के साथ, कब्बू इसकी सिस्टर है ना, तो ये दो साथी और दी भी हैं तो साथ ही रहती उनके। तो ये लोग आए हैं तो हमने सोचा अभी खाना खाते जाना, तो अभी हम लोग खाना बनाते हैं और गाइस फुल एंजॉय करेंगे। यहाँ गाइज ये कब्बू है, ये तो आपने पहले ही देखा है ऐसे। ये दो दिन से भूखी है। तो गाइज ये बोल रही थी ना, तो गाइज सुनिए तो यार बोल रहे थे, दो दिन से भूखी। तो दोस्तों ये मेरे से बोल रही थी ना कि दी मैं दो दिन से भूखी हूँ, मेरे लिए बहुत ज्यादा खाना बनाना, तो मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा खाना बनाया, तो हम फुल एंजॉय करेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो गाइज बने रहिए इस वीडियो में। स्पेशल खाना है इसके लिए, वो मोटे मोटे लोग नहीं होते जिसके लिए पूरी थाली सजाई रहती है, आज इसके लिए ऐसे ही होगा, पूरी थाली सजाएंगे मस्त से ना, अच्छे से खाना तो ठीक है, पूरा खाऊंगी। और तुम लोग और गाइस फिर मस्त सा खाना खा के गाइस फिर मस्त से पचाएंगे भी, पचाएंगे मतलब बोले तो डांस वाली वीडियो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे, तो स्पेशली डांसर आए हैं तो ये डांस करेंगे। ओके गाइस फिर मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। ये बैठ के रोटी बना रही है, सब लोग तो खड़े होकर रोटी बनाते हैं। इस बूढ़ी अम्मा को देखिए, देखिए कितनी बूढ़ी हो गई है अभी से, बूढ़ी और बूढ़ी होगी तो पता नहीं क्या, डंडा 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 लेके लेके चलेगी डंडा। हाँ तो गाइस अभी मैं थोड़ी बहुत जवान हूँ, जवान क्या बच्ची हूँ। हाँ तो बच्ची है ये, बच्ची देख देख गाइस इसको बच्ची बताओ। तो दोस्तों अभी मैं बैठ के रोटी बना रही हूँ, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी ना तो मैं लेट के रोटी बताऊंगी। वाह वाह वाह। और इस महान शख्स को देखो, ये कहाँ बैठ रखी है, देखो तो स्लिप के नीचे बदरिया। तो दोस्तों हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसमें मैंने चने की सब्जी बनाई है और मैं रोटी बना रही हूँ और भाजी बनाया है। तो तभी हम लोग डिनर कर रहे हैं, तो ये देखो मैंने आलू और चने की सब्जी बनाई थी और हमने चावल फ्राई कर लिए थे, तो ये देखिए और गाइस ये रोटियां हैं और ये हमारी प्यारी कब्बू। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग डिनर कर रहे हैं, तो गाइस अभी हम लोग डिनर के मजे लेते हैं और थोड़ी देर बाद हम और मजे करेंगे, ठीक है गाइस। तो हेलो गाइस गुड इवनिंग। तो गाइस कल पायल और कब्बू आए थे तो उन्होंने खाना खाया फिर वो लोग चले गए, तो क्योंकि इनके घर से फोन आ रहा था ना कि जल्दी आओ करके, तो वो चले गए। तो गाइस अभी मतलब दूसरा दिन हो गया, दूसरे दिन का रात भी हो गई मतलब शाम हो गया, तो हम लोग खाना बना रहे हैं और सब्जी तो थी नहीं, तो हमने सोचा क्या बनाएं, तो हमने सोचा ठीक है फिर आलू के पराठे बना लेते हैं। तो गाइस ये देखिए इस हीरोइन ने आटा तो गूंथ दिया और आलू भी उबाल दिए हैं, तो अभी उनको क्रश करना है, उसके बाद उसका पेस्ट टेस्ट जो पराठे में डालते हैं वो बनाना है, उसके बाद हम पराठे बनाएंगे। और हाँ गाइस उसको मैश करेगी। तो दोस्तों अभी हम लोग पराठे बनाते हैं और आप देखते हैं पराठे बनते ही नहीं बनते हैं, क्योंकि आजकल में जो आलू होते हैं ना तो उनमें से शायद उसका रस होता है जो, तो वो सब निकल जाता है, तो पराठे नहीं बनते हैं, तो देखते हैं कहीं फटे अटे बनेंगे तो आप लोग देख लेना, ठीक है। ज़्यादा अच्छे पराठे तो नहीं बना पाती हूँ, खैर खाने लायक बन जाएंगे तो ठीक ही हुआ। तो चलो चलते हैं भावना के पास, देखते हैं वो कैसे पराठे बना रही है। ये देखिए दोस्तों ये भावना है, ये पराठे बना रही है, देखो इसके पराठे, देखो आलू के गोल तो है ही नहीं, आलू आलू दिख रहा है इसको तो, आटा तो दिख ही नहीं रहा है। तो दोस्तों मैंने कहा था ना आप लोगों से कि जो आलू है उसमें रस नहीं रहता है ना, तो पराठे बनेंगे नहीं अच्छे से। तो ये देखिए गाइस ऐसा पराठा बन रहा है, मैं भी आ कर सकती हूँ ना ऐसे ही पराठा बन रहा है, तो अब हम लोगों को ऐसे ही खाना पड़ेगा। पर रिचा है ना, रिचा काफी अच्छे पराठे बना लेती है, तो रिचा बनाएगी। अभी मैं एक पराठा बना के देख रही थी बन रहा है नहीं बन रहा है। तो गाइस ये देखिए पराठा गया और गाइस ये देखिए ये घी है, तो ठंडियों में जो घी होता है ना वो
जम जाता है तो हमने इसे पिघला लिया है गर्म करके। और दोस्तों ये देखिए हमने आलू मैश करके बनाए थे, आलू और प्याज डाल रखा है मैंने जो अभी पराठे में डालते हैं हम लोग, तो ये मैंने बनाया था। और ये तो जानते ही हो गए ये आटा है ये। और उसके बाद ये देखिएगा इस पराठा अभी देखते हैं हम लोग, इसमें घी लगाते हैं। ओहो चल गया ये तो। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो दोस्तों ये देखिए मेरा पराठा कितना अच्छा लग रहा है, देखने में इतना टेस्टी लग रहा है। ये पराठा खाए की भावना स्पेशली। तो दोस्तों देखिए मैं कितना अच्छा पराठा बनाती हूँ ना, दिखने में इतना स्वाद, कितना अच्छा दिख रहा है, खाने में कितना अच्छा। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए इसका पराठा दिखने में अच्छा है, स्वाद का तो मैं बता ही दूंगी आपको। काफी अच्छा दिखने में, इतना अच्छा लग रहा है, खाने में कितना अच्छा। अरे बाबरे वाह। अरे तो दोस्तों अभी देखना रिचा बनाती है तो देखते कैसा पराठा। हाँ हाँ ठीक है, बेइज्जती कर रही है ना ये, बेइज्जती नहीं कर रही। अरे देखो ना भावना का पराठा कितना अच्छा सेब का है। तो दोस्तों अभी अब रिचा के पास चलते हैं हम लोग। तो मेरी तारीफें तो बहुत कर रही थी, मतलब मेरे पराठे की तारीफ बहुत कर रही थी ना कि ऐसा है वैसा है। तो अभी हम रिचा के पास चलते हैं और उसका पराठा देखते हैं कि कैसा बना रही हो। ठीक है गाइस, तो आप लोग देखने के लिए तैयार है, कहीं एक कद को हार्ट अटैक आ गया तो अच्छे से बने रहिए। ठीक है, देखिए ये रहा रिचा का पराठा, वैसे काफी अच्छा बनाया है यार। और ये वाला भी मेरे से अच्छा नहीं बनाया है। हाँ बस वो तो आप लोग बताएंगे ना अच्छा बनाया है ना। बस ये देखिए गाइस इसने चला दिया ये वाला पराठा, जलानी है वो। और इस पराठे को देखिए इसके तो चिथड़े बाहर आ रहे हैं। ऐसा ही होता है गाइस देखिए। तो ये देखिए ये बहुत ही खराब। ओ ये देखिए इसका तो पराठा उसमें से निकल भी नहीं रहा है। मेरा पराठा कितना अच्छा था ना गाइस, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं किसका पराठा अच्छा था। ये देखिए गाइस ये इसका पराठा। कितना अच्छा पराठा है मेरा, उससे तो अच्छा ही लग रहा है मेरा पराठा। दोनों ये सेम ही लग रहे हैं वैसे भी, पर मेरा ज्यादा टेस्टी होगा मुझे पता है। तो दोस्त फाइनली गाइस इसने पराठा बना ही दिया, गोला छोटा है इसलिए गोल दिख रहा है। वो बड़ा बनाएगी ना उसके चिथड़े बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों ये रहा मेरा वाला पराठा, कितना अच्छा, कितना दिखने में कितना स्वादिष्ट लग रहा है ना। तो झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, समझ गई ना। तो ये देखिए गाइस ये रहा मेरा पराठा। अब वो तो खाने के लिए बोल नहीं रही है मेरा पराठा देख के, क्योंकि टेस्टी ज्यादा हो रहा है ना। तो मुझे ही खाना पड़ेगा, तो मैं खा लेती हूँ। ठीक है गाइस, आपको खाना है क्या? आपको नहीं खाना होगा, मैं ही खा लेती हूँ। ठीक है, मेरे से बोल रही थी कि तू बहुत गंदे पराठे बना रही है, इसलिए वो मेरे से लड़ रही थी। अब वो खुद पराठे बनाने लगी थी। तो देखिए ये मेरे से लड़ रही थी कि तू बहुत गंदे पराठे बना रही है, अब इसका पराठा तो देखो। ये देखिए इसका पराठा, इसलिए ये खुद बनाने आ रही है। वो तेरा पराठा था, नाम मेरा वो खुद बना रही है और मेरा नाम लगा रही। तो बाप रे, ये देखिए ये है मेरा पराठा गोल, अभी अच्छा बना थोड़ा, ये थोड़ा बनाया मैंने, बनाया ही नहीं। ये देखिए इसका पराठा, मेरे से लड़ रही थी कि तू बहुत गंदा पराठा बना रही है। मैंने कितना गोल पराठा बनाया था, बिल्कुल गोल गोल पराठा देख। वो तो बस देखो 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 दोस्तों इसका पराठा, ये देखो ना दोस्तों इसका पराठा तो देखो, ये कितना अच्छा पराठा है। बाप रे पराठा, ये देखिए ये रहा रिचा का पराठा, ये है भावना का पराठा। बन चुके हैं, ये देखिए गाइस, ये देखिए ये रहा पराठा मेरे हाथों का, टेस्टी टेस्टी। और दोस्तों अभी मैं आप लोगों को सारे पराठे दिखाती हूँ। देखिए मेरे पराठे, देखा मैंने कितने अच्छे पराठे बनाए हैं ना। ये देखिए ये देखिए ये भी अच्छा है, ये नीचे वाला भी अच्छा है, उसके नीचे वाला भी अच्छा है, सारे पराठे अच्छे हैं, है ना। दोस्तों मैंने इतने अच्छे पराठे बनाए ना, ये खाके टेस्ट भी अच्छा है, ये खाके मदहोश होने वाली है। चल बता दे मेरे हाथों के पराठे कितने अच्छे लग रहे हैं,
अच्छे हैं, मस्त हैं, खाली अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छे समझ तो गाइस ये कहना चाह रही ना, मेरे हाथों के परांठे बहुत ही अच्छे हैं, जो भी खाएगा ना वो बेहोश हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। ठीक है ठीक है, बेहोश हो जाएगा। हम लोग परांठे के मजे लेते हैं, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, और गाइस सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिल सके, और सब्सक्राइब करके लाइक करके अपना प्यार दिखाइए। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में।